चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। भाई भाई ये बॉलीवुड की फिल्म है, सच में एक रिमेक की खदान रिमेक को क्रिटिसाइज करते हुए, आयरनी है भाई। आई डोंट नो इफ वी डिजर्व दिस मूवी और नॉट, बट वी डेफिनेटली नीडेड दिस। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द अनदर वीडियो ऑफ अनबायस्ड आर्या, जहां आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के दिन थिएटर्स में रिलीज हुई आर बाल्की की फिल्म चुप के बारे में, स्टारिंग दुलकर सलमान, सनी देओल एंड श्रेया धनवंतरे। ये फिल्म पहले आज के दिन तो बिल्कुल भी रिलीज ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आज एक तो नेशनल सिनेमा डे होने के वजह से किसी भी थिएटर के किसी भी सीट पे मूवी देखने के लिए आपको बस 75 रुपीस ही पे करने हैं, जहां एवरेज प्राइस 300 टू 350 की होती है, जिसके वजह से इसकी ओपनिंग जितनी लगनी चाहिए थी उससे 4 से 5 गुना कम ही लगेगी। बट मे बी ये नंबर्स में इंक्रीज करा सकते हैं अपने ऑडियंस को, और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ का ही तो खेल होता है एक मूवी के रन का। अगर इस मूवी को एक वर्ड में डिफाइन करना हुआ तो मास्टरपीस, मतलब बॉलीवुड से इस साल की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी लगी है मेरे को। और भाई मूवी की जो थीम है, सीरियल किलर ऑफ मूवी रिव्यूअर्स, फट रही है बोलने पे ही इस मूवी के बारे में भाई। थ्रू आउट द मूवी मेरे बॉडी में चिल्स थे। इसमें जो सीन वन से एंगेज करके रखा था टू गुरुदत्त के रेफरेंसेस को यूज किया है, अमेजिंग भाई साहब, अमेजिंग। पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी है इन्होंने मूवी इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के बारे में। इस मूवी में जो कागज के फूल के सॉन्ग्स को यूज किया गया है विद दैट स्पेशल साउंड इफेक्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉन्ग वाज सिंपली अमेजिंग। एंड जिससे मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री की, फालतू के सॉन्ग्स, तो इस मूवी में सारे पुराने सॉन्ग्स को यूज किया गया है एज ए बीजीएम, और ओरिजिनल में बस अपना एक ही सॉन्ग यूज किया है, और इन सब का कॉम्बिनेशन हर एक सिचुएशन पे परफेक्ट बैठता है एकदम, और हर एक सिचुएशन को और भी ज्यादा इंटेंस बनाते जा रहा था। आई वॉज ग्लूड टू द स्क्रीन सिंस द मोमेंट मूवी स्टार्टेड, एंड एक बार भी मेरे को बोर नहीं लगा। ये ऐसा नहीं लगा ये क्या कर रहे हैं या इसकी क्या जरूरत थी या पे ऑफ अच्छा नहीं रहा, बट एक कम्प्लीट थ्रिलर मूवी। आई डोंट थिंक इस साल मेरे को एक भी बॉलीवुड की मूवी पसंद आई थी या मैंने किसी के बारे अच्छा बोला, और वहीं अचानक मेरे को बॉलीवुड ने एक खींच के चुप फेंक के मारा कि सारा फेथ रिस्टोर हो गया। इसमें सारे कास्ट की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट थी, बट वहीं दुलकर सलमान तो बिल्कुल गॉड लेवल अचीव कर लिए थे, और मूवी में 4 चांद लगाने का काम इसकी ब्रूटैलिटी बना देती है। मतलब आप जितने मजे एक सीरियल किलर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी से मांगो सब आपको थाली में परोस कर दे देती है ये, एंड जिसके वजह से ये ए रेटेड है, और वो सिर्फ वायलेंस की वजह से ही है, कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज या न्यूडिटी नहीं है। बस इस मूवी की एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी कि वो ये कि दुलकर और सनी पाजी का फेस ऑफ नहीं कराया इन्होंने, और जो एंड में थोड़ा सा कराया तो वो भी थोड़ा अंडरवेलमिंग ही था। पॉइंट टू बी नोटेड, हम इस पॉइंट पे सिर्फ सनी देओल एंड दुलकर सलमान के फेस ऑफ की ही बात कर रहे हैं। अब तो भाई इस मूवी को रेट करने से भी डर लग रहा है कि पता नहीं कब मेरे को भी अच्छे से थ्रैश करके मेरे माथे पे भी स्टार ना दे दें। देन सब आरआईपी बोलेंगे और बोलेंगे शायद थोड़ा ठीक ठाक ही वीडियो बनाता था, एंड फाइनली मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ेंगे, क्योंकि सालो तुम लोग तो करोगे नहीं, चाहे चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला ही सूख जाए। एनीवेज, अगर आप एक अच्छा टाइम इस वीकेंड गुजारना चाहते हो या आप एक अच्छी मूवी देखना चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी, ट्रस्ट मी यू वॉन्ट रिग्रेट इट। और के और राजीव मसंत को तो ये मूवी जरूर से जरूर देखनी चाहिए। एनीवेज, आई रेट दिस मूवी 9 out of 10 स्टार्स। इफ एनी सीरियल किलर इज वॉचिंग दिस वीडियो, सी आई हैव रेटेड दिस ऑन द स्केल ऑफ 10, नॉट ऑन द स्केल ऑफ 5, तो मुझे अपने लिस्ट से प्लीज एक्सक्लूड कर दो।